यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहां की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं आपका हमसफर दोस्त देवांग स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस ट्रैवल शो भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पर। दोस्तों, यूं तो मौका मिलने पर आप सभी अवश्य ही घूमने निकल जाते होंगे, परंतु भारत दर्शन के इस रोमांचक यात्रा पर मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे दुर्गम व अछूते पर्यटक स्थलों पर जहाँ की यात्रा का विचार भर ही आपके जहन में उत्तेजना व रोमांच भर देगा। दोस्तों, नवरात्र के इस पावन अवसर पर यदि हमारी यात्रा की शुरुआत एक ऐसे स्थान से की जाए जो स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का साक्षी रहा है, तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ बंधुओं, आज हम आपको ले जा रहे हैं त्रियुगी नारायण, जो शिव पार्वती विवाह स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है और जहाँ स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। तो अपनी सीट बेल्ट बांधकर आप सभी तैयार है ना हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए। एंड हियर वी गो। सूर्योदय होने से थोड़ा पहले ही हम निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर। हरिद्वार में भगवान शिव की अति सुंदर व अलौकिक मूर्ति के दर्शन कर ऐसा लग रहा है कि महादेव ने स्वयं हमें आगे की रोमांचक व अनएक्सप्लोर्ड यात्रा के लिए आशीर्वाद दे दिया है। यहाँ से अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है। ये हिमालयस की लोअर रेंजेस हैं, इन्हें शिवालिक्स भी कहा जाता है। पत्थर काफी भुरभुरे हैं, इसलिए यह लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। चट्टानों से पत्थर टूट टूट कर गिरते रहते हैं। काफी उबड़ खाबड़ रास्ता है और हमारी गाड़ी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही है। अरे, लगता है लैंडस्लाइड होने की वजह से आगे का मार्ग बंद हो गया है, हमें भी यहाँ रुकना होगा। साथियों, प्रकृति के नाम भारत दर्शन का संदेश। लैंडस्लाइड्स का प्रमुख कारण है पेड़ों के कटने की वजह से हुआ सॉइल इरोजन। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधने का काम करती हैं और पेड़ों के न होने पर यही लूज यानी ढीली मिट्टी भूस्खलन का कारण भी बन जाती है। तो हम पेड़ों को बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। रास्ता खुल गया है, धन्यवाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को। हमारे बगल में बह रही है पावन नदी गंगा। रास्ता काफी मनोरम है। हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है। महादेव शंभो की मूर्ति है जहाँ, और मंदाकिनी भी बहती है वहाँ। यह स्थान तो देवप्रयाग ही है साथियों। आज हम देवप्रयाग में ही विश्राम करेंगे। हमारे होटल की बालकनी से शहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं इस नजारे को देखकर बहुत ही रोमांचित हो गया हूँ। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है यहाँ। देखिए, हम दो अलग अलग रंगों के पानी का संगम देख पा रहे हैं। संगम में मछलियों की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जब पानी की टकराव की वजह से मिट्टी, रेत आदि वहीं पर छन कर पानी के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, तो मछलियों के लिए यह जगह जन्नत से कम नहीं होती। दोस्तों, दो अलग अलग रंग के पानी कैसे एक दूसरे में मिल रहे हैं, वाह, अद्भुत दृश्य है। देवप्रयाग से ही पूर्ण गंगा बनने पर यह बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थान बन गया है। दोस्तों, देवप्रयाग में कुंभ के विशाल मेले के लिए पर्याप्त स्थान ना होने के कारण यह मेला हरिद्वार में ही लगता है। ऊपर उड़ता हुआ यह काइट पक्षी हमें भी आगे की यात्रा पर बढ़ने का मानो संदेश दे रहा है। देवप्रयाग से गौरीकुंड तक की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। दोस्तों, हम पार कर रहे हैं अलकनंदा ब्रिज। हमारे साथ बह रही है अलकनंदा नदी। अब हम निकल रहे हैं इस खूबसूरत टनल में से। वाओ, रोड साइड पर बहता हुआ यह झरना हमारी सारी थकान दूर कर देता है। झरने के पानी के सड़क पर आ जाने के कारण काफी कीचड़ हो रही है यहाँ और रास्ता काफी स्लिपरी हो गया है। हमें संभल कर चलना होगा। त्रियुगी नारायण एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ आम सैलानी नहीं जाते, इसलिए सड़क बहुत बढ़िया नहीं है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं शिव पार्वती विवाह स्थल की ओर। यह दूरी है लगभग 14 किलोमीटर की। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि इन पहाड़ी इलाकों पर आपको जहां भी पेट्रोल पंप मिले वहां फ्यूल अवश्य ही भरवा लें, क्योंकि एक तो इन पहाड़ी इलाकों पर पेट्रोल पंप्स काफी दूर दूर हो सकते हैं, तथा कई बार भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण पेट्रोल व डीजल की शॉर्टेज हो जाती है।
मौसम खराब हो रहा है, आकाश बादलों से ढकने लगा है, लगता है तेज बारिश होगी, इसीलिए हम बढ़ जाते हैं अपने गंतव्य की ओर। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, यहाँ मौसम खराब और ठीक होता ही रहता है दोस्तों। हम देख रहे हैं पीठ पर घास के बड़े बड़े गट्ठर लादे स्थानीय लोग। दोस्तों आपके जज्बे और मेहनत को भारत दर्शन का सलाम। अरे देखिए इस बोर्ड पर यह सुंदर संदेश लिखा है, वृक्ष विष पीते शिव सम, काम धेनु सा देते धन। दोस्तों थोड़ा और आगे चलते ही हम पहुंच ही गए हैं शिव पार्वती विवाह स्थल पर। यहाँ पर दिखाई दे रहे स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि मंदिर तक जाने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई है 7,500 फीट। दोस्तों शिव पार्वती विवाह स्थल के इस अद्भुत मंदिर के आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य पर यदि आप गौर करें तो निश्चित ही आप इसकी भव्यता को देखकर अभिभूत हो जाएंगे। अब इसके आर्किटेक्चर को करीब से समझने के लिए एक नजर डालनी होगी इसके इतिहास पर। दोस्तों कलयुग के इस दौर से लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व यानी सतयुग में एक अति अलौकिक विवाह संपन्न हुआ था, जो था स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह। जी हाँ दोस्तों, यह स्थान त्रियोगी नारायण साक्षी है उसी अलौकिक विवाह का, जो उस समय राजा हिमावन जो कि पार्वती के पिता थे की राजधानी था। दोस्तों इस विवाह के साक्षी थे स्वयं भगवान विष्णु, जो अपने वाहन यानी गरुड़ पर सवार होकर इस विवाह में सम्मिलित हुए। द्वार की छत पर स्थित है गरुड़ देव की पीली मूर्ति, जिसमें पीछे की ओर पंख देखे जा सकते हैं। दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार विश्वकर्मा ने त्रियुगी नारायण में ही एक अति विशाल व भव्य विवाह मंडप की स्थापना की थी। बाद में त्रेता युग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसी विवाह मंडप के स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आगे विवाह मंडप की ओर प्रस्थान करने से पहले आता है ब्रह्मकुंड। दोस्तों हम यहाँ अपने हाथ पैरों का प्रक्षालन करते हैं। कई देवी देवताओं जैसे शिव जी, हनुमान जी, माँ अन्नपूर्णा आदि की अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं यहाँ, जो ना जाने कितने युगों पुरानी हैं। ब्रह्मकुंड के पास ही स्थित है रुद्रकुंड। यहाँ का जल बहुत ही शुद्ध एवं स्वच्छ है। इन दोनों कुंडों में पानी के आगमन का स्रोत है सरस्वती कुंड, जो मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों यहाँ के इतिहास को और भी करीब से जानने के लिए बात करते हैं पंडित मदन मोहन भट्ट जी से। मेरा नाम है मदन मोहन भट्ट, ग्राम पोस्ट त्रियुगी नारायण। नमस्कार पंडित जी, हमें त्रियुगी नारायण के इतिहास के बारे में सविस्तार बताइए। श्री त्रियुगी नारायण, आपको विदित होगा सती का ये संकल्प था कि यदि मैं दोबारा जन्म लूंगी तो शिव जी के साथ अवश्य शादी करूं। फिर यहीं पे त्रियुगी नारायण में राजा हिमांचल के यहाँ मैना जी की कोख में उन्होंने दोबारा जन्म लिया। तो पार्वती की रखा गया कि पर्वतराज की लड़की होने के कारण उनका पार्वती रखा। तो आपको विदित है कि हम अपने हिंदू संस्कृति में कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का आह्वान जरूर करते, लेकिन उस पीरियड में गणेश जी का तो जन्म था नहीं। तो राजा हिमांचल ने किया कि भगवान विष्णु नारायण साक्षी करके अपनी बिटिया की शादी यहाँ पे की। तो त्रियुगी नारायण क्यों रखा गया कि त्रेता युग में शादी हुई है, युग में जो अखंड अग्नि आप देखेंगे और भगवान विष्णु त्रियुगी नारायण त्रेता युग के नारायण, यहीं पे भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया, राजा बलि को यहीं से पाताल बिठाया, यही विष्णु क्षेत्र है, ये धर्मशिला है। यही पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके मोती दान और गाय दान, जो लोग गाय दान ये गाय बांधने का किला है। गोदान में दी गई गायों को यहाँ खूंटी पर बांधा गया था। दोस्तों तो पंडित जी त्रियोगी नारायण का तो अर्थ हुआ तीन युगों के नारायण, इसका अर्थ हमें बताइए। फिर राजा हिमांचल ने क्या किया कि अपनी बिटिया की शादी में यहीं पे भगवान बद्रीनाथ और रामचंद्र जी को आमंत्रित किया। वो भी विष्णु है, वो भी विष्णु है। अभी आप जाएंगे देखेंगे आप मध्य में भगवान नारायण जी है, दाएं और डोले पे लक्ष्मी जी, बाम भाग में सरस्वती जी है, उनके पीछे क्षेत्र और कुबेर है, पीताम्बरी वस्त्र धारण के श्री बद्रीनाथ और रामचंद्र जी, अगर दीपक है दीपक के नीचे भगवान शंकर और पार्वती का जोड़े सहित मूर्ति है, भगवान का तीन की धनंजय अग्नि है, उसमें हवन होता है, लकड़ी चढ़ाई जाती है। अग्नि कुंड को देखने से पहले दर्शन कर लेते हैं शिव पुत्र भगवान गणेश जी के। दोस्तों अग्नि कुंड की वह पावन अग्नि जिसे साक्षी मानकर भगवान शिव और मां पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, उसे धनंजय अग्नि कहते हैं।
दोस्तों, ये त्रियुगी अग्नि सतयुग से आज भी अखंड प्रज्वलित है। हम भी अपना योगदान करना चाहते हैं और लकड़ी चढ़ाते हैं अग्निकुंड में, जो भक्तों और स्थानीय निवासियों के सहयोग से आज भी तीन युगों से प्रज्वलित है। नमन करते हैं इस पावन अग्नि का। दोस्तों, इस विवाह को संपन्न करवाया था स्वयं ब्रह्मदेव ने, और माँ पार्वती के भ्राता की भूमिका निभाई थी स्वयं भगवान विष्णु ने। वाकई दोस्तों, कैसा अलौकिक दृश्य रहा होगा जब सृष्टि के तीनों रचयिता यानी संपूर्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही स्थान पर एक साथ यहाँ उपस्थित रहे होंगे। साथियों, त्रियुगी नारायण की एक अद्भुत प्रथा के बारे में आपको बताता हूँ, जो आज भी जीवित है। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी कई पीढ़ियों के रिकॉर्ड यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही रिकॉर्ड धारक एक पंडित जी से। तो कितने कौन से साल से हैं अभी? ये तो 100 साल से, 100 आपके पूरे चल रहे होंगे शुरू से ही। जी जी जी, ये तो हमारे पूर्वजों के परंपरा अच्छा। है महाराज ये, और ये तो बहुत पुराने, यहाँ पर 100, 150, 200 साल पुराने नाम मिलते हैं। हम भी अपनी उपस्थिति को इन रिकॉर्ड्स में दर्ज कराते हैं और इस गौरवपूर्ण इतिहास का एक अंग बन जाते हैं। दोस्तों, मैं नमन करता हूँ इस पावन स्थान का और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिनकी कृपा से इस पावन स्थान का साक्षी होने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मैं आपका हमसफर दोस्त देवांग आपसे विदा लेता हूँ इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घूमते रहिए, भारत दर्शन करते रहिए, और हाँ, हर शनिवार देखना ना भूलें अपना पसंदीदा शो भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड।